खुद ही अंदर लगा दिया, क्योंकि वाकई में ये तो मुझे हल्दीराम से उम्मीद नहीं थी कि खाना एकदम ठंडा और जो चिप्स है वो तक सीले हुए। वेलकम टू अविज्म टीवी। मैं हूँ अमृता और मैं हूँ रानू। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट टू नवरात्र वीडियो का। होपफुली आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे हम साड़ी वाड़ी में बिल्कुल फिट खड़े हैं, तैयार हैं। अपने यहाँ कीर्तन कराया था तो हमने सोचा कीर्तन के बाद आज डिनर हम बाहर ही करते हैं, जिससे कि क्योंकि हम काफी थक चुके थे। उसके बाद तो हमने सोचा कि आज थाली का भी हो जाए रिव्यू और हमारा डिनर भी हो जाए। तो अब हम व्रत का खाना खाने वाले हैं और हम थोड़ा साउथ दे चुके हैं और हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यहाँ की थाली जो स्पेशल थाली है वो ऑर्डर की है और एक साबुदाना टिक्की जो चाट होती है वो ऑर्डर की है। और नॉर्मली जनरली चाट थाली तो हमें ये था कि हम थाली और जाए की टेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा चाट का आइटम डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि कल हमने तवा वाली वो खाई सेम है यहाँ पर, तो हमने सोचा कि यार डिफरेंट टिक्की को ट्राई किया जाए। चीज़ें तो यहाँ का मेन्यू तो बहुत बड़ा है, मतलब कल के अकॉर्डिंग सागरता के अकॉर्डिंग हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पे आके हर चीज़ यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और हर चीज़ हम ही थोड़ी टेस्ट करके बताएंगे आपको, आप आओ और टेस्ट करो। बेस्ट है यहाँ का और अगर आप यहाँ पे देखें तो इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था जब अनाउंसमेंट हो रही थी कि हम लोग कहीं स्टेशन पे बैठे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें बोलने में भी काफ़ी अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है जिससे हमारी आवाज़ आप तक पहुँच सके। और अगली आपने मुझे एक बार ये भी लगता है कि एक तो चल ये मतलब थोड़ा व्रत के लग गया, ये लगता है कोई आज है कोई बहुत है पर इसलिए ये ज़्यादा है, पर हमारे कैमरा मैन अच्छे हैं वो हमें सर्व करके दे। तो दोस्तों अभी हमारा एक चीज़ तो आ गई है, तो थाली हमने ऑर्डर की थी तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आया है। ये रायता है, अभी हम देखेंगे किस चीज़ का रायता है। ये है आलू की सब्ज़ी, ये मुझे पनीर लग रहा है, हाँ पनीर है, साथ में इन्होंने मिर्ची का अचार दिया हुआ है। ये सीताफल की सब्ज़ी जो कद्दू बोलते हैं वो है, चिप्स दिए हुए हैं, सामक के चावल की खिचड़ी है और मेरे ख्याल से ये साबुदाना चॉप्स है जो बिल्कुल ठंडे हैं, जो थोड़े बिल्कुल ठंडे लग रहे हैं। दोस्तों इन्होंने पराठा सर्व किया है थाली के साथ, कल जैसे कि हमने पूरी खाई थी पर जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ इनका खाना थोड़ा ठंडा है, इन्होंने या तो पहले प्रिपेयर करके रख दिए थे क्योंकि फॉइल में ये पैक आए थे ठंडे हैं एकदम। और इन्होंने स्वीट डिश में दिया है गुलाब जामुन। तो अभी हमारा दूसरी चीज़ जो हमने चाट ऑर्डर की थी वो अभी नहीं आई है पर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे ही, जब वो आएगी तो हम उसे भी आपको बताएंगे टेस्ट करके। तो दीदी शुरू करें, उससे पहले पराठे से ही करते हैं। पराठा इन्होंने कुर्ती में अच्छे से आलू डाले और दूसरे चिप्स बिल्कुल दीदी खा के बिल्कुल सील है वो उन्होंने उस पर रखे हैं ना पुलाव पे, तो उससे आलू की सब्जी है। सब्जी ठीक है बट बिल्कुल ठंडी है तो मज़ा नहीं आ रहा है और पापड़ों को पराठा बन चुके हैं। ये इन्होंने क्या कर दिया अपना रिव्यू खुद ही अंदर करा लिया, क्योंकि वाकई में ये तो मुझे हल्दीराम से उम्मीद नहीं थी कि खाना एकदम ठंडा और जो चिप्स है वो तब सीले हुए पहले बनाना। व्रत में हम चाहते हैं गर्मा गर्म हमें बैठे बैठे मिल जाए तो उस चीज़ के लिए तो ये बिल्कुल उसको ज़ीरो ही देंगे हम। टेस्ट वाइज ठीक है, टेस्ट हमें सही लग रहा है आलू का, आलू का टेस्ट ठीक है बस वही ड्रॉबैक है कि ठंडा है। तो अब हम पनीर से करते हैं इतना, पनीर देखिए थोड़े इतना ठंडे हो गया, इसमें बटर जो था वो मेल्ट भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ये बटर है पनीर, ये है ये वाला पीस पनीर, ये मेल्ट तक नहीं हुआ है और ये वाला इनका बटर है जो एज इट इज इसमें पड़ा हुआ है। चीज़ें आप रेडी हैं, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि देखो टेस्ट कैसा है इसका। दोस्तों टेस्ट वाइज चीज़ें
बिल्कुल 100% है, पर ठंडे होने की वजह से बिल्कुल भी मतलब ठंडा होने की वजह से मज़ा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अभी इनका रायता भी टेस्ट कर रहे थे, अभी हम सीधा पर ट्राई करते हैं। पर दोस्तों सच्ची में मेरे को हल्दीराम से उम्मीद नहीं, मैं शायद उतना ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करी थी कल से, तो और ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करी थी। अभी ये लगा था कि वहाँ से बेटर होगा, हाँ खाना बेटर है बट वो ठंडे की वजह से फ्रेंड्स। इसमें ये हरी मिर्च का अचार भी है, देखिए काफ़ी देखने में स्पाइसी लग रहा था, मैं इसको खा के देखने वाली हूँ। इसमें इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, काजू भी और शायद मूंगफली भी है। सब्जी का टेस्ट अच्छा आ रहा है, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप ऑर्डर करते हैं यहाँ से लेते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली बोलिए कि हमें ठंडा नहीं मिल चाहिए, बिल्कुल गर्मा गर्म चाहिए। और हाँ इतना मेरे भी आइडिया होना चाहिए, अगर ये चीज़ हमें पहले पता होती है तो हमें पहले ही कॉल करते हैं। इसमें काली मिर्च और ये अदरक, ये कड़ी पत्ता, मैं इसको एक अलग फ्लेवर देने की कोशिश की है। जैसे पुलाव बनाते हैं बेसिकली, अच्छा लगता है। हम खाते हैं गुलाब जामुन इस ठंडी थाली का। वैसे अंदर फुली क्या इसमें? हाँ दिल गर्म हो रहा है। एक चीज तो गर्म निकली जो सबसे एंड में है वो गर्म थी, तो पहले का ही वो सारी ठंडी थी। अच्छा टेस्टी है। रश है क्योंकि इस वजह से इनकी सर्विस में थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी आप यहाँ पे आएंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा क्या है, आपको कैसा लगा, आपको गर्म खाना सर्व हुआ या ठंडा ही मिला हमारी तरह। अब हम नेक्स्ट चार टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने ये टेस्ट भी कर लिया है, अभी तक हमारा सेकंड ऑर्डर नहीं है यार, नहीं है। हम पूछने गए भी तो वहाँ पे ये बोला गया अभी वेट कीजिए, तो इस चीज में भी आज तो जितना अच्छा सोच के हमारे दोस्तों उतना ही, मतलब इतना हमने सोचा था हल्दीराम में बेस्ट मिलेगा, इतनी अच्छी यहाँ की हमें मतलब मिली सर्विस ऐसी। तो देखते हैं आता है तब खाएंगे फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों वेट कर करके टिक्की आ गई है फाइनली, साबुदाना टिक्की है जो इतना वेट करने के बाद हमें मिली है। तो अब होपफुली शब्द का फल मीठा हो, मीठा नहीं वाला चटपटा रहा हो। गरम गरम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऊपर से आलू लच्छा डाला हुआ है और अंदर ये पनीर भी है थोड़ा, और ग्रीन चटनी रेड चटनी ये इन्होंने सब इसमें डाला हुआ है। टिक्की के अंदर जो फिलिंग है उसमें भी इन्होंने पनीर को तोड़ रहे हैं तो क्रिस्पी सी लग रही है, उससे हर बार गिरता है।
नवरात्रि का अगर आपको ट्राई करना है आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस सोसो रहा, कुछ खास नहीं रहा, पर आप अपना यहाँ पे आके एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपका अच्छा हो, है ना। और आप और भी चीज़ें हैं मेनू में जो आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, काफ़ी सारे नवरात्रि स्पेशल इतने डिशेज रखी हुई हैं, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या टेस्ट किया और उसका कैसा आपका रहा। और आगे के लिए आप ज़रा हमारा पार्ट 3 का वेट करो, हम भी और सज धज के आपके लिए और नई वीडियो लाने वाले हैं, नई जगह पर जाएंगे और आपको वीडियो देंगे उसका। और हमारी नवरात्रि वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। याद है ना नाम क्या है? अविस्म टीवी। तो दोस्तों सब्सक्राइब टू अविस्म टीवी। बाय।